हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ई रिक्शा हेल्पर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ई रिक्शा के सभी फॉल्ट फाइंडिंग की, तो ई रिक्शा में बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जो अलग अलग तरीके से रिपेयर होते हैं दोस्तों। और जब तक हम जानेंगे नहीं कि हमारे ई रिक्शा में कौन कौन से पार्ट है, उनका क्या काम है, किस तरीके से जो है हमारे जो है सारे जो है कंट्रोलर हुआ, कन्वर्टर हुआ, मोटर हुआ, सेंसर हुआ, जो इसका एक्सीलेटर होता है किस तरीके से काम करते हैं, वायरिंग किस तरीके से काम करती है, तो सभी जो है जब सबके काम करने का जो प्रोसेस हम जब जान जाएंगे, तो हमको कोई फॉल्ट होता है तो उसको हम रिपेयर आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज इसमें इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि हमारी गाड़ी में कौन कौन पार्ट जो है अवेलेबल हैं होते हैं, तो ये होता है कंट्रोलर होता है, इसको कंट्रोलर बोलते हैं, और ये कन्वर्टर है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारी गाड़ी में BLDC मोटर होता है, 900 वाट हो चाहे 1000 वाट हो चाहे 750 वाट हो, कई तरह के वाट में आते हैं। और दूसरा हमारी गाड़ी में जो है वायरिंग होते हैं, बैटरीज होती हैं, 4 बैटरी से हमारी गाड़ी जो है चलती है। ये एक्सीलेटर हो गया, थ्रॉटल। तो दोस्तों, ये हमारा एक्सीलेटर जो है कैसे काम करता है, गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो हमारा ये एक्सीलेटर 5 वोल्ट की सप्लाई से जो है वर्क करता है। ये देखिए, ये जो रेड और ब्लैक वायर है, इस वायर से जो है 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है सेंसर की तरफ, सेंसर में हमारे जो है मैग्नेट होता है, जैसे ही सेंसर के सामने मैग्नेट आता है तो सेंसर जो है, तो जैसे ही हमारी जो है ब्लैक एंड रेड वायर जो आप देख रहे हैं, इससे 5 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे जो है एक्सीलेटर की तरफ, एक्सीलेटर में सेंसर होता है दोस्तों। सेंसर के सामने जैसे मैग्नेट लाते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, इसे जैसे हम घुमाते हैं तो मैग्नेट जो है हमारा सेंसर के सामने आ जाता है। और जैसे ही मैग्नेट सेंसर के सामने आता है तो तुरंत जो है सेंसर हमारा ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इस ग्रीन वायर से जो है 5 वोल्ट की सप्लाई को जो है आउटपुट करता है, जो हमारा जाता है तो इस सेंसर कपलर से होते हुए इनपुट हो जाता है हमारे कंट्रोलर में। और कंट्रोलर से जो है जो सर्किट होता है माइक्रो सर्किट, उस सर्किट से होते हुए इस जो है कपलर से, जो मोटर का जो कपलर होता है, इसके मोटर के जो सेंसर होता है, 3 सेंसर होते हैं मोटर में, तो ये ब्लू, येलो एंड ग्रीन तीनों सेंसर को जो है हमारा सर्किट जो है सिग्नल भेज देता है दोस्तों। तो हमारा मोटर जो है वर्क करने लगता है। सप्लाई 5 वोल्ट की ऑलरेडी इसमें भी होती है, मगर जो है सेंसर हमारा ऑन नहीं होता है, तो हमारा जो है सेंसर को ऑन करने के लिए हमारा जो है एक्सीलेटर जो होता है, एक्सीलेटर ही जो है ऑन करता है हमारे मोटर के सेंसर को दोस्तों। और ऑलरेडी जो है सेंसर के आगे जो है हमारे मोटर का जो सेंसर होता है, ऑलरेडी उसमें जो है मैग्नेट जो है उसके सामने ही होता है, मगर ऑन का काम जो है हमारा यही करता है। ये 3 वायर जो है सिग्नल भेजता है सेंसर को, तुरंत ऑन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है रेड एंड ब्लैक जो है ये 48 वोल्ट से कनेक्ट हो जाता है। और 3 वायर जो है ये देख रहे हैं, 3 वायर हमारा जो है ये मोटर में जो है कनेक्ट हो जाता है कलर वाइज। ये हमारा रिवर्स में चला जाता है, एक्सीलेटर का जो रिवर्स होता है, ये वाला गाड़ी बैक करने वाला होता है। ये कंट्रोलर का जो इग्निशन वाला, इसमें लेड दिया हुआ है, ये हमारा जो है चाबी ऑन ऑफ के ज़रिए जो है इस लेड वाले में जो है कनेक्ट हो जाता है। 48 वोल्ट की जो सप्लाई इसमें जाती है कंट्रोलर में हमारे, इससे कनेक्ट हो जाता है चाबी के ज़रिए दोस्तों, ठीक है। ये सब ब्रेक स्विच है, जो ब्रेक स्विच में जो होता है ये सब ब्रेक स्विच। ये हमारा रिमोट लॉकर है, इसमें भी 48 वोल्ट की सप्लाई होती है दोस्तों। अगर बात करें बैटरी से डायरेक्ट मोटर चलाने की, तो हमारा मोटर जो है ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमारा मोटर जो है BLDC 3 फेस का होता है। तो 3 फेस को जो है हमारा ये कंट्रोलर जो है, इसमें 48 वोल्ट हम लोग इनपुट करते हैं इसके ज़रिए, रेड एंड ब्लैक के ज़रिए, तो हमारा जो है कंट्रोलर जो है 3 फेस की सप्लाई आउटपुट करता है, ठीक है। इन तीनों तारों से जो है 3 फेस की सप्लाई आउटपुट करता है, ये बनाता है हमारा कंट्रोलर, बहुत काम की चीज़ है।
5 वोल्ट की सप्लाई बनाता है जो हमारे सेंसर की तरफ जाती है, दूसरी जो है एक्सीलेटर की तरफ जाती है 5 वोल्ट की सप्लाई। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल जो है नॉलेज दोस्तों, इसको बोलते हैं कन्वर्टर, स्टेप डाउन कन्वर्टर होता है ये, ज़्यादा पावर को जो है कम करके जो है आउटपुट करता है। ब्लैक एंड रेड वायर को देख रहे हैं, ये 48 वोल्ट से कनेक्ट हो जाता है, इसमें जो ब्लैक एंड रेड वायर है 48 वोल्ट से कनेक्ट हो जाता है और आउटपुट करता है ये ब्लैक वाला और पीला वाला जो है देख रहे हैं येलो, इससे जो है आपको जो है 12 वोल्ट की सप्लाई जो है ये आउटपुट करता है, जो हमारे जो है हारन हो गया, लाइट हो गया, बैक लाइट हो गया, जो म्यूज़िक सिस्टम होता है उसमें जाता है, इसी का काम होता है दोस्तों 12 वोल्ट की हर जगह सप्लाई गाड़ी में सप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जो मीटर होता है हेडलाइट मीटर, इसका जो है जो हमारा जो है एलईडी जो ब्लिंक करता है, तो हमारा एलईडी जो ब्लिंक करता है ये भी हमारा 48 वोल्ट से ही जो है वर्क करता है। ठीक है, जैसे ही हम चाबी ऑन करते हैं तो 48 वोल्ट की सप्लाई ऑन हो जाती है, तो ये हमारा जो लाइट देख रहे हैं ये 48 वोल्ट से ही ऑपरेट करता है, इसका पूरा सिस्टम होता है। दोस्तों अगर बात करें वायरिंग की, तो हमारा वायरिंग का जो है पूरा डायग्राम हमने बनाया हुआ है, तो इसको मैं बता देता हूँ। ये 48 वोल्ट की हमारी सप्लाई हुई बैटरी की, ये प्लस हो गया या माइनस हो गया, ये कन्वर्टर हो गया डीसी टू डीसी कन्वर्टर, स्टेप डाउन कन्वर्टर दोस्तों। ये हमारा हारन हो गया, ये हमारा ये बल्ब हो गया हेडलाइट का, ये इंडिकेटर हो गया दोस्तों, एक दो इंडिकेटर हो गया, ये हमारा स्विच हो गया, इंडिकेटर स्विच हो गया, ये हो गया रिले, ये रिले हो गया दोस्तों 12 वोल्ट का, 2 पोलो रिले है। ठीक है दोस्तों, हमारी वायरिंग किस प्रकार काम करती है तो आइए बताते हैं। तो ये हमारी सप्लाई हो गई, ये प्लस की सप्लाई हुई, प्लस की सप्लाई हमारे जो है कन्वर्टर में चली जाती है, रेड वाले में चली जाती है, और दूसरी हमारी जो है माइनस की सप्लाई जो है होते हुए जो है ब्लैक में चली जाती है दोस्तों। ठीक है, और येलो से निकलता है 12 वोल्ट की सप्लाई, ये हो गया 12 वोल्ट, येलो से हो गया 12 वोल्ट की सप्लाई, रेड हो गई 48 वोल्ट। तो ये हमारी जो है 12 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों निकल गई, स्विच में आती है, ये स्विच हो गया, ये स्विच हो गया, स्विच हो जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं दबाते हैं तो ये हमारे हालन में जो है 12 वोल्ट की सप्लाई जो है पहुंच जाती है दोस्तों। ठीक है, और एक 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है हमारे इंडिकेटर की स्विच में, ये स्विच हो गया इंडिकेटर स्विच, इंडिकेटर की स्विच हो गया हमारा। तो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ से होते हुए दोस्तों इस स्विच में आ जाती है, और स्विच को जैसे ही हम ऑन करते हैं तुरंत हमारा जो है बल्ब हेडलाइट ऑन हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो है वायरिंग काम करता है, इंडिकेटर है। तो हमारी जो है 12 वोल्ट की सप्लाई इसी तरह जो है, इसी तरह हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होते हुए दोस्तों हमारे जो है रिले में आ जाती है, 2 पोल का रिले है ये, और रिले से आउटपुट होकर हमारे जो है स्विच के पोल में आ जाती है। फिर अगर हम स्विच को जो है लाइट करते हैं तो लाइट वाला हमारा जो है इंडिकेटर काम करता है, लेफ्ट करते हैं तो हमारा लेफ्ट वाला इंडिकेटर दोस्तों ये काम करता है। इसी तरह हमारा जो है 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे जो है म्यूज़िक सिस्टम जो होता है, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, म्यूज़िक सिस्टम हो गया दोस्तों, इस हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें आती है। तो हमारा जो है ये स्विच इसमें होता है, जैसे हम स्विच को जो है ऑन करते हैं तो हमारा जो है हमारा बाजा भी ऑन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए जो है अगर आपको जो है इस स्क्रीन शॉट की ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीन शॉट भी लेके रख सकते हैं दोस्तों। ये हमारी जानकारी हुई कम्प्लीट, और ये हमारी जो है ई रिक्शा के सभी पार्ट की जो है एक्सटर्नल जो है नॉलेज आज हमने दिया है। अपने दूसरी वीडियो में पार्ट 2 बनाऊँगा तो उसमें मैं इंटरनल जो है उसका जो इंटरनल जो प्रोसेस है, किस तरीके से कोई भी पार्ट काम करता है, अंदर का जो उसके जो इंटरनल जो सर्किट होता है उसके बारे में मैं दूसरा पार्ट अपना बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।